नहीं नीलकंठ की बुआरी, जिस देवी ने उस राक्षस को पकड़वाने का साहस किया ठहरा, उसे मैं ये दान कार्य करने से नहीं रोक सकता। हल्कू पागल, पापा की एक्टिंग मत कर। लेकिन नागतनी दीदी, महन बाबा भी यहाँ होते ना तो वो भी यही कहते आपसे, चलिए ना। अरे अलकू, अरे ये आ गई मिठाइयां भी। लो, मुझे अच्छे से याद है बच्चे, जब सरस्वती थी ना तो अपने हाथों से मिठाई बनाकर गरीब अनाथ बच्चों में बांटा करती थी। जलेबियां। सरस्वती के हाथ की जलेबियों की खुशबू मुझे आज भी याद है। क्या हुआ, मुझे ऐसे देखकर दंग क्यों रह गए सारे? तेरी हिम्मत कैसे हुई लौटकर आने की? पर मुझे आप तो घबराओ मत, बात करने आया हूं। सास सम्मान बरी कर दिया है मुझे। ये लीजिए बेल के कागजात। जब तक पुलिस को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल जाता कि सरस्वती नौटियाल के कातिल आप हैं, तब तक आप आजाद हैं। सबूत तो वैसे भी इनको मिलने से रहा, और जो ध्यानी परिवार ने नहीं किया वो आपने कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो नील और चाहत को अलग कीजिए। मेरी इलेक्शन में जीत हासिल करने के लिए ये बेहद जरूरी है कि मैं चाहत को अपने साथ अपने घर वापस ले जाऊं। और उसमें मेरा फायदा भी तो है, चाहत के रास्ते में ना होने से पदवी तक पहुंचना मेरे लिए आसान हो जाएगा। और वैसे भी बुड्ढे को बर्बाद होते हुए देखना चाहता हूं मैं, बुला नहीं पा रहा हूं उस थप्पड़ को मैं। जाओ, जाओ, नहीं, जाओ, नहीं। वो हाल करूंगा कि अपनी मौत के लिए भीख मांगेगा वो।